फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हम M5 से M4 के ऊपर आ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम जो जंक्शन पॉइंट है, जो कि M4 और M3 का है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। वो तकरीबन 2 किलोमीटर अवे है, यहाँ से 2 किलोमीटर रह गए हैं। ये वही 2 लेन मोटरवे है। बेसिकली मैं अपनी जो मैंने आपको बताई थी उसकी थोड़ी सी तरदीद कर दूँ। बेसिकली हम M5 से M3 के ऊपर चढ़े थे, क्योंकि M4 जो है वो 3 लेन्स है, और वो उस जंक्शन पॉइंट से जब लाहौर की तरफ जाती है तो वो तब स्टार्ट होती है, लाइक वहाँ पे उसका टॉल प्लाजा वहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जो M4 है, जो M3 है जिसके ऊपर हम जा रही है, M3 है, और ये पिंडी पट्टियाँ तक जाती है, मुल्तान पिंडी पट्टी से मुल्तांग तक रहती है। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, मुल्तान से आ रहे हैं, रहींजर खान से आ रहे हैं, सादकाबाद से आ रहे हैं, तो आपने यू विल हैव टू कीप लेफ्ट एट दैट पॉइंट। आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ से लेफ्ट रहना है इस पॉइंट से। यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्पीड अप हों तो चीज़ों को निशानी के तौर पे आप समझें कि ये एक छोटी सी दरिया से आता है, ये कुछ किनाल है या कुछ चैनल लेक टाइप है, तो इसके फ़ौरन बाद ही वो पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको M4 के ऊपर, M3 के ऊपर रहने के लिए लेफ्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको बगौर देख लीजिए, आप देख सकते हैं। अभी तक नहीं वो स्टार्ट हुई, क्योंकि तो मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि बेसिकली हम M3 के ऊपर आ रहे हैं। पिंडी भट्टियाँ से लेके जो मुल्तान तक की मोटरवे है उसको M3 कहते हैं। वो जो M4 है वो लाहौर से लेके इस पॉइंट तक है, ये जंक्शन पॉइंट है, जो कि अब अराउंड 500 मीटर अवे है इस पॉइंट से। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं जो कि एक तरफ इंडिकेट कर रहे हैं लाहौर को, कि आप अगर इस तरफ लाहौर जाना है तो आप इस तरफ रहें, और अगर आपने फैसलाबाद या इस्लामाबाद वाली साइड पर जाना है, क्योंकि ये पिंडी भट्टियाँ हैं, पिंडी भट्टियाँ तक ये मोटरवे रहेगी, तो ये वो पॉइंट है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपने यहाँ से लेफ्ट रहना है इस्लामाबाद जाने के लिए, फैसलाबाद जाने के लिए, पिंडी भट्टियाँ बजाने के लिए इस पर। अब वो जो मोटरवे है वो जा रही है लाहौर की तरफ, वो अब समझें कि वो आपका M4 वहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ पे इसका टोल प्लाजा भी है, और जो कि आप जहाँ से आप यहाँ की पेमेंट कर देंगे M3 से आउट होने की, M4 पे, और ये M3 हम कीप करेंगे क्योंकि यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं आएगा, और ये हमें पिंडी भट्टियाँ, अगर हम फैसलाबाद स्टे करते हैं, हमारा प्लान ये है कि हम फैसलाबाद में जुमे का दिन है, जुमे की नमाज पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम स्टे करेंगे, तो वहाँ पे हम टोल प्लाजा पे करेंगे, टोल पे करेंगे, और फिर हम वहाँ से उतर जाएंगे, और फिर दोबारा हम जब चढ़ेंगे वापस फैसलाबाद से, क्योंकि हमने हमारी जर्नी जो है वो इस्लामाबाद तक के लिए है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, वो लोग जो फर्स्ट टाइम मोटरवेज के ऊपर आ रहे हैं, इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या कि जिन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, तो वो इस रूट को फॉलो करें ताकि वो प्रॉपरली अपनी जो डेस्टिनेशंस हैं उनके ऊपर पहुंच सकें। वैसे तो आजकल GPS वगैरह के ऊपर इंफॉर्मेशन सारी की सारी मौजूद हैं, लेकिन आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए हम ये मेरी वीडियो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और काफ़ी अर्से पाकिस्तान नहीं आए, तो आप पाकिस्तान की ब्यूटी को देखें और पाकिस्तान की रोड्स को देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी मतलब अपनी इस डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर हैं, और हम लोग भी इस डेवलपमेंट के सफ़र के ऊपर रवा दवा हैं। तो यहाँ पे आप जहन में रखिए कि जो स्पीड लिमिट है वो 120 है, आप 120 से लेके 130 तक का कुशन है, 130 तक चला सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपको मोटरवे पुलिस कैप्चर कर लेती है अपने कैमरे में, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू पे द फाइन, ओवर स्पीड फाइन जो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको रेस्ट एरियाज बताए थे, एक और रेस्ट एरिया आ रहा है। बेसिकली ये रेस्ट एरियाज, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये रेस्ट एरियाज नहीं है, ये पुलिस चेक पोस्ट है। ये पुलिस की गाड़ी जो कि हमारी इस मोटरवे को सिक्योर एंड सेफ बनाती है, वो यहाँ पे ये लोग चेक पोस्ट पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, इन केस कि अगर कोई सिक्योरिटी का इशू होता है या कोई सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन लोगों को मोबाइल कैप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जो नियरेस्ट होता है वो जल्दी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। तो गाइस, मेरे साथ कीप इन टच रहिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे जाके मोर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अभी हम फैसलाबाद इंशाल्लाह जाएंगे, तो मैं फिर वहाँ से अपना कैमरा ऑन करूँगा। टेक केयर।
गाइस, तो हम अभी एक रेस्ट एरिया है वहाँ पे मौजूद हैं। रास्ते में हमको अब्दुल हकीम आया, मुल्तान के बाद अब्दुल हकीम आया, फिर सरगोद शोरकोट का इंटरचेंज आया, फिर उसके बाद हमारे पास झंग का इंटरचेंज आया, टोबा टेक सिंह का इंटरचेंज आया। तो मुख्तलिफ इंटरचेंज क्रॉस करते हुए हम फैसलाबाद की फरमान दमा हैं। जंग के मुख्तलिफ इंटरचेंज आते हैं, एक हमने क्रॉस कर दिया है, एक अभी आगे भी आएगा, फैसलाबाद के करीब भी आएगा। लाइक हमने फैसलाबाद में आज जुमा है, जुमे की नमाज़ पढ़नी है। ये एक रेस्ट एरिया है, एक स्मॉल सा रेस्ट एरिया है, रेस्ट एरिया पॉइंट है। इधर हम खड़े हुए हैं, कुछ रेस्ट रूम वगैरह जाना था, तो मैंने कहा चले आपको अपने पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाते हैं कि कितना ग्रीन और कितना खूबसूरत है। इस वक्त जुलाई चल रहा है और सख्त गर्मी भी है बाहर जुलाई के सीज़न में, लेकिन माशाल्लाह 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 पाकिस्तान का पंजाब हरा भरा है और क्लाउडी भी है आजकल। देखें ऊपर आप क्लाउड्स देख सकते हैं, यू कैन सी क्लाउड्स एज वेल, वेरी वेरी नाइस, बहुत गुड लुकिंग ड्राइव चल रही है आज। लॉन्ग ड्राइव है, कहीं पे गर्मी आ जाती है, आल दो के गाड़ी में एसी वगैरह का सब कुछ इंतज़ाम है, लेकिन जब क्लाउडी सीन आता है इट्स रियली अमेजिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ साइड पे जब भी जाते जाएंगे हम आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी पाते जाएंगे, और मौसम टेम्परेचर भी डाउन होगा, आलमोस्ट 5 to 6 सेल्सियस तकरीबन डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आजकल सीज़न है ह्यूमिडिटी का, लेकिन अगर हवा वगैरह एयर चल जाती है तो इट्स वेरी नाइस टू हैव दिस वेदर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फैसलाबाद के इंटरचेंज के ऊपर, आपको बताते हैं फैसलाबाद के इंटरचेंज के ऊपर पहुँच के। उस वक्त तक आप हमारे साथ रहिए, पूरी वीडियो को इन्जॉय करेंगे, मेरी सबसे बड़ी वीडियो होगी, लेकिन इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सा नॉलेज, बहुत सी प्लेसेस भी हम आपको शो करेंगे। थैंक यू मेरे साथ रहने का। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो अब सब्सक्राइब कर लें। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाता जा रहा हूँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ को भी इंशाल्लाह लॉन्च करता रहूँगा साथ साथ, तो आप लोग मेरे साथ रहें, कीप इन टच। कोई चीज़ आप समझते हैं कि मैं बनाऊँ तो वो आप ज़रूर मुझसे पूछें। सी यू देन। जी गाइस, तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम 12 o'clock था, तो इट्स एग्जैक्टली 12 o'clock, लाइक एक दो मिनट का फ़र्क होगा, और हम फैसलाबाद इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं, आलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 2 किलोमीटर यहां से है, और यहां पर हम लोग जुमे की नमाज़ के लिए रुकेंगे, जुमे की नमाज़ अदा करेंगे इंशाल्लाह, और खाना खाएंगे, और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पोर्ट फैसलाबाद 1 किलोमीटर का आ चुका है, और अराउंड यहाँ पे भी शदीद गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है बाहर, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। गाड़ी के अंदर तो भी टेम्परेचर काफ़ी बेटर है, लेकिन गाड़ी से बाहर टेम्परेचर काफ़ी फील लाइक 40 के करीब करीब है। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे नमाज अदा करते हैं, और अगर फैसलाबाद के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई जो आपको दिखानी चाहिए के लिए अच्छी लगे हमें कि आपके लिए होनी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए दानियाल वाले भी जा रहे हैं सामान शमान लेके, ये फैसलाबाद, ये देखिए ये झंग सरगो, ये सरगोदा है, ये देखें सरगोदा नहीं है सॉरी सरगोदा रोड है फैसलाबाद की, ये देखिए चलिए और सरगोदा और फैसलाबाद के लिए हम यहाँ से एग्जिट करेंगे अभी वाटर वे से, तो मैं आपको टोल प्लाजे तक दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला जब हम फैसलाबाद से निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर जो है ना इन टच करूँगा दोबारा। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप इन टच, सी यू देन। अस्सलामुअलैकुम भाई जन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? 410 यार बहुत पैसे आप लोगों ने लेना शुरू कर दिए, डिस्काउंट कर दें। थैंक यू वेरी मच, उदाई बस जी।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी हम फैसलाबाद से अराउंड हमने तकरीबन हम 12 बजे एंटर हुए थे, अभी 3:30 हो रहे हैं। हम मोटरवे पे दोबारा चढ़ रहे हैं। लाइक हमने वहाँ पे जुमा पड़ा, खाना शाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। हमने तकरीबन 3.5 घंटे तक रेस्ट किया। 3 बजे वहाँ से निकल आए थे। आधा घंटा हमें मोटरवे इंटरचेंज पे पहुँचते हुए लगा है। यहाँ से हम इस दफ़ा पहले से फैसलाबाद वाले इंटरचेंज से हम इन हुए थे, लेकिन हम जब मोटरवे पे दोबारा चढ़े हैं तो हम ये मिलत इंटरचेंज है जो फैसलाबाद से आगे आता है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, वहाँ से हम इसके ऊपर चढ़े हैं मोटरवे पे। अभी भी M4 ही है ये, पिंडी भट्टियाँ तक M4 रहेगी, M3 रहेगी। ये M3 है, M4 नहीं है, M3 है, जो कि पिंडी भट्टियाँ से लेके मुल्तान तक है। तो अभी हमारे पास फ्यूल जो है, जो हमने पीछे से डलवाया था वो उच शरीफ से, वो अभी तक है हमारे पास फ्यूल। अब हमने फ्यूल लेना है यहाँ से आगे करोनिया, क्या कहते हैं, एक आएगा इंटरचेंज आएगा एक, उसके पास मतलब मोटरवे के ऊपर ही हम टोटल के पेट्रोल पंप से हम फ्यूल लेंगे। लाइक अगर आप रहीमियार खान से चले हैं तो उच शरीफ से आपको जो फ्यूल मिला था वो फ्यूल आपको यहाँ तक लेके आएगा। फैसलाबाद का इंटरचेंज क्रॉस करेंगे, उसके बाद मेरा चौक का इंटरचेंज क्रॉस करेंगे, और उसके बाद आपको टोटल का एक पंप आपको मोटरवे M3 के ऊपर ही मिल जाएगा। तो फिर वो यहाँ से जो फ्यूल लेंगे आप, वो आपको इस्लामाबाद ले जाएगा, और आप इजीली जो है ना इस्लामाबाद में इतना फ्यूल होगा कि आप इस्लामाबाद में आराम से इजीली पहुँच जाएंगे। तो फिर मैं फ्यूल जब आएगा तो मैं उस वक्त आपको ट्यूनिंग करता हूँ। जी ये फ्यूल है, पंप है, साइयां वाला इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे आएगा इस्लामाबाद टूवर्ड्स। हम अब जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ जाते जा रहे हैं, फ्यूल की प्राइस में 1 रुपये की कमी आ चुकी है। 250 रुपीज़ हमने रहीमिया खान से डलवाया था, 251 के करीब था। फिर 250 हमने मोटरवे से डलवाया था जो कि उस शरीफ था। अभी ये साइयां वाला से आगे टोटल का पंप है, यहाँ पर 249.39 का रेट चल रहा है। तो आप देख रहे हैं सबसे टोटल का पंप है, नाइस थोड़ा सा व्यू है, नमाज की जगह भी है, थोड़ा सा ये पिकनिक स्पॉट भी है बच्चों के लिए खाने पीने के लिए, तो ज़बरदस्त है। मार्ट भी है, चाय कॉफ़ी टी नमाज के लिए बड़ी चीज़ प्लेस है, टॉयलेट्स वगैरह सब ज़बरदस्त सिस्टम है। जी गाइस, तो अभी हम ये फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको M4 कहते हैं। ये हम तकरीबन पिंडी भट्टियाँ इसको कहते हैं, यहाँ से अब हम M2 के ऊपर जो है लिंक हो जाएंगे लिंकिन। तो इसके टोल प्लाजे पे हैं हम, इसकी यहाँ पे टोल हमें पे करना पड़ेगा, हम टोल पे करेंगे, और उसके बाद जो है इससे आगे जो है ना ई टोल चलते हैं। इससे आगे हमें ये मैनुअल टोल्स नहीं होते, ये जो हमारे हमारी गाड़ी पे ये एक टैग लगा हुआ है, ये टैग है आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ई टोल का टैग है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये चलेगा, और फिर उसके बाद डिडक्शन हो जाएगी हमारे अकाउंट में से। तो मिलते हैं सर फिर, अभी M2 के ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। कोशिश करेंगे कलर कार के लिए थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, आपको दिखाएं कलर कार के पहाड़ियों के सिलसिला भी। फिर उसके बाद पहले बल्कि हमारे पास भेरा आएगा, भेरा के बाद जो पहाड़ी सिलसिला है कलर कार का, उसका थोड़ा सा व्यू देंगे आपको। सी यू देन।